अस्सलाम वालेकुम ऑल, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल असद एंड आईटी स्किल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैर से होंगे। टुडे टॉपिक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से आप लोग, असल में होता यूँ है कि कुछ लोग ना काफ़ी बोर हो जाते हैं वाइल वॉचिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू सो दैट यू कैन चेंज योर डेली रूटीन। लाइक आप हमेशा, हर बंदा सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग अक्सर जब गूगल ओपन करते हैं तो आपके सामने एक वाइट कलर का जो इंटरफेस होता है बाय डिफ़ॉल्ट भी आप लोगों को नज़र आ रहा होता है। तो आज आप लोगों को मैं डिफरेंट सेटिंग्स बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेंज कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोगों को मैं बताऊंगा डिटेल में कि कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, इवन कि आप अपनी इमेज भी हैं वो भी उसको प्लेस कर सकते हो उस गूगल के बैकग्राउंड पर, ताकि आप लोग जब भी गूगल को ओपन करो तो आप लोगों की इमेज जो है वो बैकग्राउंड पर आपको नज़र आए। सेम कोर्स फॉर डिफरेंट थीम्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जो आप प्लेस कर सकते हो बैक साइड पे गूगल के, ताकि आप लोग डिफरेंटली इमेजेस देख सको। और नीचे शॉर्टकट्स होते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हो आप लोग, डिसेबल कर सकते हो, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये आप लोगों को आज डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को सीधा गूगल की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्टली नज़र आए। और इस तरह के आप स्टेप्स, अपने स्टेप्स सारे देखने हैं, फॉलो करने हैं, ताकि आप ये काम आसानी से कर सको, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। सो हैवी गो जी। तो ये हमारे सामने एक गूगल की स्क्रीन है। ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की एक स्क्रीन आपको नज़र आती है। इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कस्टमाइज़ का, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये। इस पर जाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे आप लोगों के पास तीन ऑप्शन हैं, एक बैकग्राउंड, शॉर्टकट और कलर एंड थीम का। सबसे पहले हमें ये करना है कि जो शॉर्टकट्स हैं उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, मतलब जो नीचे आपको शो हो रहे होते हैं उसको हाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे और इसको डन कर देंगे। तो हमारे पास देखें, अब आपके पास थीम ये नज़र आ रहे हैं शॉर्टकट्स। इसको ख़त्म करने का तरीका क्या हो रहा है, दोबारा कस्टमाइज़ पे जाएंगे, शॉर्टकट्स पे जाएंगे, इसको हम हाइड पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद डन कर देंगे, तो शॉर्टकट्स हमारे पे ख़त्म हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसके जो बैकग्राउंड कोई इमेज है उसको हम डालना चाहते हो, कि इमेज आपके सिस्टम में पड़ी हुई है उसको आप रखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, देखिए। यहाँ पर आप लोगों के बैकग्राउंड इमेज में अपलोड फ्रॉम डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई इमेज आपके मोबाइल में आप अपनी इमेज लगाना चाहते हो गूगल के बैक साइड पे, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करके जो इमेज आपके पास पड़ी हुई तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आपके पास है, जिस तरह कि आपके पास कलर एंड थीम है, मतलब आपके पास अगर कोई डिफरेंट कलर आप चूज़ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला जो है इसको मैं चूज़ करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद डन करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास उसका थीम सारा चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया। इस तरह मैं डिफरेंट थीम्स भी चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा गूगल हमें खुद से कुछ एक इमेजेस प्रोवाइड करता है, वो भी इमेजेस हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, इनमें से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैं चूज़ करता हूँ, उसके बाद ये डिफरेंट इसके आगे मज़ीद इमेजेस आपको नज़र आ रही होंगी, जिस तरह भी ये आ जाती हैं सामने। ये देखें आपके सामने आ गई इमेजेस, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पहली इमेज जो इसको चूज़ करके डन लिखोगे, डन लिखने के बाद इसको रिफ़्रेश करोगे आप लोग, फॉर एग्जांपल अब आप F5 से इसको रिफ़्रेश करोगे तो आपके पास जो इमेज है वो यहाँ पे आपको विजिबल होगी। अच्छा जी, देख लें आपकी स्क्रीन पे आपको एक इमेज नज़र आ रही है। इसके अलावा अच्छा, ये तो आप लोगों के सामने एक इमेज चेंज हो रही है, तो हम मैनुअली खुद कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली बहुत डेली बेसिस पे चेंज हो, तो उसका भी एक तरीका कार है, आप उसको रिफ़्रेश डेली कर सकते हैं। ऊपर जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डेली जिस तरह डेट चेंज होगी, इसी तरह ये भी आपके पास क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसके मैं आपको डेली एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह मैंने चेंज किया इसको, अब मैं डेट चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज 8 तारीख है, इसकी मैं डेट चेंज करता हूँ 9 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 9 किया, चेंज किया मैंने इसका बैकग्राउंड, तो अब देखिए जब गूगल पे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली, अब मैं आपको दोबारा गूगल पे जाके दिखाता हूँ, ज़रा कैमरा ऑफ हो गया, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे देखें आपके पास इमेज क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये जैसे ही डेट चेंज होती जाएगी, इस तरह की इमेज भी चेंज होता जाएगा। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। और थैंक यू सो वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइबर then please do subscribe my channel and Allah Nigeban.